क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि दुनिया ने भारत के जिस पर्यटन स्थल को विश्व धरोहर माना है वहां बिजली के तार पहुंचने में 70 साल लग गए हैं। एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाओं को विश्व की कला और संस्कृति की प्रमुख अध्याय माना जाता है। साल 1987 में यूनेस्को ने एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल माना था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज माना था। दुनिया ने इस जगह के महत्व को समझा, लेकिन भारत की सरकारों ने इस जगह पर बिजली पहुंचाने की भी जहमत नहीं उठाई थी। ये बात हैरान कर देने वाली है, क्योंकि देश विदेश से हजारों लाखों पर्यटक एलिफेंटा की गुफाओं में भारतीय संस्कृति और कला के दर्शन करने आते हैं। एलिफेंटा मुंबई के समुद्र तट से 10 किलोमीटर दूर एक टापू है, जिसे की धारापुरी भी कहा जाता है। यहाँ 1500 लोगों की आबादी भी रहती है। इन लोगों की पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन यहाँ बिजली सप्लाई की मूलभूत सुविधा भी मौजूद अब तक नहीं थी। आखिरकार इस साल फरवरी के महीने में एलिफेंटा के लोगों को बिजली का होली गिफ्ट मिला है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर कई दशकों के बाद बिजली का पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। बहुत अच्छा लगा जब लाइट आया ना, तभी हमको लाइट देखने को मिलेगा मालूम ही नहीं था। गुफाओं की इन दीवारों पर भारत का प्राचीन इतिहास दिखाई देता है। ये जीवित मूर्तियां भारतीय संस्कृति के अद्भुत रूप का दर्शन करवाती हैं। मुंबई में समुद्र के तट से कई मील दूर यहाँ एकांत एक टापू पर सैकड़ों वर्ष पहले मूर्तिकारों और शिल्पकारों ने तपस्या की थी। यहाँ पर मौजूद भगवान शिव, माँ पार्वती और देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ भारत की महान कला का प्रसाद है। ये एलिफेंटा की प्राचीन गुफाओं की तस्वीर है। ये हमारे पूर्वजों की मूर्ति कला, शिल्प कला और उनकी महान योग्यता की जीती जागती मिसाल है। 1000 से ज्यादा वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी ये प्रतीक भारतीय संस्कृति की महानता की गवाही दे रहे हैं। एलिफेंटा विश्व धरोहर है। यूनेस्को ने भी एलिफेंटा को दुनिया की अमूल्य कृति माना है, लेकिन आजादी के 70 वर्ष तक एलिफेंटा को सरकारों की उपेक्षा झेलनी पड़ी। इस साल फरवरी के महीने में पहली बार एलिफेंटा की गुफा में बिजली पहुंची है। एलिफेंटा में अब अंधेरा नहीं रहेगा। भारत का परिचय करवाने वाली ये महान धरोहर अब 24 घंटे बिजली की रोशनी से चमकती रहेगी। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन मुंबई से महज 10 किलोमीटर पर मौजूद एक गांव ऐसा भी है जिसे बिजली मिलने में ही ये 70 साल का वक्त लग गया। घारापुरी टापू और एलिफेंटा के नाम से मशहूर इस गांव में 24 घंटे बिजली अब समंदर के रास्ते पहुंचाई जा रही है। 7 किलोमीटर लंबी बिजली की लाइन समंदरी रास्ते में बिछाई गई है और भारत में सबसे लंबी बिजली की लाइन है जो समंदर के नीचे है। 25 करोड़ की पूरी लागत और 15 महीने की मशक्कत के बाद अब एलिफेंटा की गुफाओं में और साथ ही वहां रहने वाले गाँव वालों के घरों में अब बिजली के जरिए जो है उजाला फैल रहा है। आपको उस गांव लेकर चल रहे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि कैसा लगा जब 70 साल बाद उनके घरों में भी बिजली से उजाला हुआ। मुंबई से 10 किलोमीटर दूर मौजूद है घारापुरी टापू। इस टापू को पुर्तगालियों ने एलिफेंटा नाम दिया था। ये कई सदियों पहले की बात है, जब भारत के कुछ समुद्री इलाकों पर पुर्तगालियों का कब्जा था। आज विदेशी पर्यटक पूरी दुनिया से एलिफेंटा की गुफाओं में भारतीय संस्कृति की महान झांकी देखने आते हैं। I didn't know that, but that's amazing that it's taken 70 years, isn't it?
completely shocked that somewhere so close to a city people can still live without electricity. I mean, it's not that far from the mainland, and so how have they survived that long without what we would call as the necessary means of living? So very surprised. एलिफेंटा के गुफा के आसपास करीब 1,500 लोगों की आबादी रहती है। ये लोग बीते 70 वर्षों से बिजली का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार इन लोगों को बिजली नसीब हुई है। ये यहाँ के लोगों के लिए होली का उपहार है। जैसे ही अब यहाँ पर इन गांवों में, इन घरों में बिजली आ गई है, इनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इन्हें लगता है कि अब रोशनी के आने से विकास भी इनके घरों तक पहुंच जाएगा। ऐसे ही लोगों से हम बात करते हैं। घारापुरी ग्राम पंचायत में लोगों के घरों पर अब बिजली आ गई है, रोशनी आ गई है, क्या सोचते हैं ये लोग, आइए। नारलपुर के सलूबिट की है, बिजली आ गई ना तो अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे, कभी भी पढ़ाई करेंगे। बहुत अच्छा लगा जब लाइट आया ना तो, बहुत यानी क्या बोलो बोला था, अंदर से अंदर बहुत, कभी हमको लाइट देखने को मिलेगा मालूम ही नहीं। इससे पहले यहाँ जनरेटर से ही करीब 3.5 घंटे ही बिजली सप्लाई होती थी। बिजली ना होने की वजह से पानी की भी किल्लत थी, लेकिन अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जिंदगी बदल रही है। बिजली की वजह से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ गया है। अब तक यहाँ के निवासी टीवी और फ्रिज जैसे बिजली से इस्तेमाल होने वाले सामान खरीदते ही नहीं थे, लेकिन अब यहाँ के लोग टीवी और कई तरह के विद्युत उपकरण खरीद रहे हैं। अब आपके घर में मुझे पता चला शादी हुई है तो लोगों ने टीवी भी दी, फ्रिज भी दिया, माइक्रोवेव भी दिया, तो बिजली आने की वजह से ही हुआ है? हाँ, पहले नहीं, ये सब नहीं था, ये सामान देते नहीं थे। नहीं नहीं, अभी लाइट आई है तो चलेगा ना, ये ओवन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, पहले नहीं देते थे ये सब। तो पहले क्या देते थे, क्योंकि बिजली नहीं थी तो ये सारे इलेक्ट्रिक के सामान नहीं देते थे? नहीं, पानी भरने के हंडे। ये बुजुर्ग महिला 75 वर्ष की है। बिजली का इंतजार करते करते इनकी सारी जिंदगी बीत गई, लेकिन अब ये खुश हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजली अच्छी खबर लेकर आई है। जो 70 सालों में नहीं हुआ, उस काम को 15 महीने में खत्म किया गया, और इसके लिए समुद्र में 7.5 किलोमीटर केबल बिछाई गई। ये भारत के समुद्र में बिछाया गया सबसे लंबा इलेक्ट्रिक वायर है। बिजली के तार बिछाने में ही 3 महीने का वक्त लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में एलिफेंटा का जिक्र किया था। मुझे यह बात जानकर के हैरानी हुई कि मुंबई के इतने पास और पर्यटन का इतना बड़ा केंद्र होने के बावजूद आजादी के इतने वर्षों तक एलिफेंटा में बिजली नहीं पहुंची हुई। यहाँ के 3 गांव में एलईडी बल्ब वाले 13 मीटर ऊंचे 6 स्ट्रीट लाइट टावर लगाए गए हैं। यहाँ गांव के 200 घरों में मीटर कनेक्शन और कुछ लोगों को कमर्शियल कनेक्शन भी दिए गए। गांव के लोग बहुत खुश हैं। इतने के लाइट के वजह से यहाँ पर ना पढ़ाई बच्चों की होती थी, हमारे जो महिला जो लेडी है उनको सुबह जल्दी उठ के खाना बनाना पड़ता था, या फिर शाम को 4-5 बजे से ही खाना बनाना पड़ता था। बहुत फर्क है इसमें तो। हम पहले से तो दुकान चलाते थे तो उसमें पूरा ठंडा कुछ रखते नहीं थे, सब्जी वगैरह कुछ लाने को नहीं हम ज्यादा रखते थे, बर्फ बम्बई ला के उतना अपना ये नहीं चलता था। तो अभी लाइट बिजली आने से तो पूरा अपना कूलिंग फ्रिज लगाए, उसमें तो अपने इतना पैसा भी बचत होता है और वहाँ से पूरा माल भी अच्छा रहता है हमारा। एलिफेंटा में आज बिजली पहुंच गई है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिसको दुनिया ने विश्व धरोहर कहा, उसको भारत में क्यों उपेक्षित किया गया। एलिफेंटा से कविता शर्मा, जी मीडिया।